वेलकम दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक हो सेसफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, और ये हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम यानी सेसफल प्रमेय ये क्या होता है। जैसे हम किसी संख्या को भाग करेंगे, जैसे 42 है, इसको भाग करेंगे 5 से, तो बताओ 5 40 तो कितना बचा है, ये बचा आपका 2। तो जिससे भाग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। जिसे भाग दिया जाता है वह बोलते हैं भाज्य। इधर आता है आपका भागफल, क्या आता है, भागफल। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेष फल, क्या, शेष फल, ठीक। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ये क्वेश्चन आता है केवीएस में कि इसका शेषफल निकालिए, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे वो 42 है तो कैसे आएगा, ये 42 आपका आएगा 5 गुना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 8, क्या जोड़ दो, शेषफल 2, तो यानी क्या हो गया। तो देखिए 42 ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर होता है आपका, भाज्य बराबर होगा आपका भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, शेष फल, ठीक है। भाजक गुना भागफल प्लस में शेष फल, ये क्या होती है, ये आपकी होती है रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन इसको नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। सीधा क्या पूछता है, सीधा आपसे रिमाइंडर पूछेगा, शेषफल पूछेगा, इसका शेषफल निकालो। जैसे हमने भी आपको इधर बताया कि क्या करते हैं, हमने इसे 5 का पाठा पढ़ा, तो हम कम पे चलाते हैं टेबल को, ऐसे नहीं कम पे चला, हम ज़्यादा भी चला सकते। तो क्या करेंगे, इधर देखिए, जैसे 42 था, हम इसे 5 से भाग करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 नहीं 45, हमने ज़्यादा भी टेबल चलाई, ज़्यादा भी पाढ़ा पड़ा हमारा, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचा रिमाइंडर, क्योंकि ज़्यादा है ना ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा। तो क्या, ये तो रिमाइंडर माइनस में आ गया, शेषफल किस में है, माइनस में, नहीं शेषफल होता किस में, प्लस में, ये तो प्लस का 2 तो अलग आ गया, नहीं तो क्या करेंगे, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है ना वही उसमें जोड़ देते हैं, इसके इसे किससे भाग देगा, 5 से, तो इसे 5 ही जोड़ देंगे, तो क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, 2, तो ये क्या आपका शेषफल। आए समझ में, यानी कि अगर हम ज़्यादा भी टेबल चला सकते हो कम पे भी, हम ज़्यादा भी पाठा पढ़ सकते हो और कम पे पढ़ सकते हैं। ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो देखिए मांस का आएगा, तो मांस का आएगा तो क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं ना वही उसमें जोड़ देते हैं। इधर समझ में आया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से बात स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए आपको एक दो एग्जाम्पल और देते हैं हम। यहाँ देखिए, जैसे ये है 17 को 5 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 का पाठा पढ़ेंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, 5 10 5 या 15, तो हम कम पे चलाते हैं, तो 15 तो कितना बचा, यहाँ से 2 बचाना, शेषफल 15 है ना, 17 से 15 के 2 बचेगा, तो 2 से इस फल कितना निकला, रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन आपने से ज़्यादा भी चला सकते हो, क्या मतलब, कहने के देखिए, जैसे ये क्या था आपका, ये था 17/15, तो हम क्या करेंगे, इसे ज़्यादा पे चलाएंगे, 5 से 15 5 चौका 20 पे चलाया, तो 17 से 20 कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो माइनस का 3 है ना, ज़्यादा है, तो क्या बचा, माइनस का 3 बचा, तो माइनस में तो रिमाइंडर आता नहीं, तो क्या करेंगे फिर, तो जिससे हम भाग कर रहे हैं ना वही संख्या इसमें जोड़ देंगे, तो -3 प्लस में 5, तो क्या आएगा, प्लस का 2, ये क्या आ गया, शेष फल। देखिए ऐसे क्या, तब भी शेष फल कितना आया, 2, इधर क्या, ऐसे भी क्या आया, 2। तो यहाँ देखिए एक बार, इधर से 19 से 5 से भाग करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, कम पे चला के देखो आप, जैसे हमने आज तक सीखा है 5 चौका 20, उससे पहले 5 15, तो 3 पे चलेगा, 19 में से 15 गए, 4 बचेगा, तो क्या प्लस का 4 बचा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 4, इससे छोटा है ना, तो ये रिमाइंडर होता है, छोटी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब 19 को ना हम भाग करेंगे ज़्यादा से, ज़्यादा पे चलाएंगे, 5 15 5 चौका 20, तो 20 पे करेंगे, तो क्या 20 ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, यानी माइनस का 1, माइनस का 1 ज़्यादा है, तो क्या आप, माइनस का 1 बचा, लेकिन क्या होता है, रिमाइंडर तो माइनस का होता नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें, जिससे भाग दे रहे हो उन संख्या इसमें जोड़ देंगे, तो माइनस 1 प्लस में 5, तो क्या आया, 4, तो देखिए ऐसे भी क्या है आपका, 4, समझ गए ना। यानी कि आप ना टेबल को, पहाड़े को कम पर भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, दोनों तरीके से आप शेषफल निकाल सकते हैं। और ये पूछा जाता है कि 17/5 में शेषफल क्या होगा, अब ये देखिए क्वेश्चन, ये बताइए आप, बताइए क्या है कि 3/5 में शेषफल क्या होगा, बताइए, जब हम 3 को भाग करेंगे 5 से, तो पाड़ा चलता ही नहीं, इस पर टेबल चलती नहीं, तो क्या करेंगे, ना जाने की 0 0 लगाई, तो क्या बचा, 3, यानी शेषफल क्या आया, 3। तो यहाँ से एक बात समझना आप, क्या समझे कि अगर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं ऊपर वाली संख्या छोटी हो, ये है ना, जैसे ये 3 है, संख्या छोटी हो, अगर संख्या छोटी है तो वही शेषफल होता है, जो संख्या बचती है ना ऊपर छोटी होती है, वही क्या होता है आपका, शेष होता है। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो पेपर में पूछे गए, और हम ना डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे भाग, या तो कम पे चलाएंगे या ज़्यादा पे चलाएंगे। आपको दिखाते हैं प्रेशर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। देखिए जैसे ये माइनस का 46/5, इसे पूछेगा आपसे कि शेषफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ लिख देगा इसमें शेषफल बताइए, तो देखिए क्या करेंगे, माइनस का 46/5 है, तो ऐसे लिखिए माइनस का 46/5, इसका पाठा पढ़िए, 46 है, माइनस को अभी भूल जाओ आप, तो 5 नहीं 45, कम पे चला लिया मान लो हमने, 5 नहीं 45, तो 46 है हमारा, 45 आया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का, तो क्या बचेगा, प्लस का 1। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस था बार, और ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 है तो 1 ही रहेगा ये। अब लेकिन रिमाइंडर जो शेषफल होता है माइनस में आता नहीं है, तो प्लस में आता है, तो क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या क्या कर देंगे, ऐड, यानी उसको जोड़ देंगे, तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस में 5, तो क्या आएगा आपका, 4, ये क्या आपका शेष फल,
समझ गए ना, ये आ गया आपका शेषफल। आगे देखिए क्या है, जैसे ये दे रखा है मास का 37/13, इसको भाग करना हमें, तो क्या करेंगे मास का 37/13, तो 13 का पारा पढ़ो, 13 × 2 = 26, 33 = 39, हम ज़्यादा पे चला लेते हैं कोई बात नहीं, 33 = 39, तो 37 से 39 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, ये देखिए ज़्यादा प्लस करेंगे। अब क्या किया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस नहीं हो गया यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस का 2, लेकिन तो माइनस में आ गया, तो क्या करते हैं फिर, तो जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस 2 प्लस में 13, तुम्हारा क्या बचेगा 11, ये क्या आपका शेषफल, पता लग गया ना शेषफल कैसे निकालते हैं। आगे देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब जो बीच में ऑपरेशन हो गया ना, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जैसे गुणा भाग ये सारे दिखा रखे मैंने, तो देखिए क्या कहने का क्या मतलब है, अब 5 ये 13 ये 5 से भाग करो, तो क्या करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ज़्यादा पे चला लो कम पे चला लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 × 2 = 10, तो क्या बचा जैसे प्लस का 3, 10 है ना कम, उससे 13 से कितना कम है 3, जो 3 बच गए प्लस के, 5 × 7 = 35, इधर से क्या निकल गया है प्लस का 3, आप ज़्यादा भी चला सकते हो कोई बात नहीं, तो देखिए इधर से क्या आया 3, ठीक है बीच में किसका साइन है प्लस का, अगर प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, इधर क्या है 3, तो आ गया बटे में क्या आ गया 5, तो कितना हो गया 3 × 3 = 6, 6/5, तो क्या बात कोई बात नहीं, दोबारा डिवाइड कर लो 5 × 1 = 5, तो 6 में से 5 गया क्या बचा प्लस का 1, तो ये क्या आपका शेषफल, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये आपका शेषफल है। इधर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ बीच में क्या था प्लस, तो बीच में प्लस लगाया हमने, उधर गुणा है तो गुणा ही लगाएंगे, करो इधर इसको भाग करेंगे हम, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ये देखिए मैंने लिखा इसको कि 13 × 38/5, तो करो इधर भाग करेंगे जब इसको हम 5 × 15, ज़्यादा भी चला रहा है, चलो मैं ज़्यादा भी चला के दिखाता हूँ आपको, 5 × 15, तो कितने ज़्यादा है 2 ज़्यादा, तो माइनस का 2, इधर भाग करेंगे जब इसको तो 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, किसका माइनस का 2, फालतू निकल के आया यहाँ पर भी, 5 × 8 = 40 में चला लें माइनस का 2, तब देखिए ये माइनस 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लगाओ गुणा लगाओ, इधर माइनस 2, तो क्या बचाइए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 × 2 = 4, क्या आ गया 4, प्लस का 4 है ये क्या आपका रिमाइंडर, तो कम पे चला लो टेबल पे चला लो पाड़ा, ज़्यादा पे चला लो, मतलब बात सेम ही होती है। इधर देखिए जैसे इसको भाग करेंगे हम 63 को, 11 × 66 क्या निकल के आया माइनस का 3, 11 × 11 ये 11 तो पूरा कट गया, ये वाला 11 पूरा कट गया, 3 ऐसे रहेगा, तो शेषफल क्या बच गया 10 से प्लस का 3, जब इनकी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि गुणा का साइन है ना बीच में, और 3 × 3 = 9, तो क्या माइनस का 9, तो क्या करते हैं अगर माइनस में आते हैं तो जिससे भाग दे संख्या में जोड़ देंगे, तो माइनस का 9 प्लस का 11, तो क्या आ गया शेषफल 2 आ गया, ठीक है आज समझ में। आगे देखें जैसे इससे इसको डिवाइड करेंगे, अब बीच में माइनस है ना तो माइनस ही लगाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस था तो बीच में प्लस लगाया, गुणा था तो बीच में गुणा लगाया, ठीक है। इधर देखिए 11 × 66 करेंगे तो क्या माइनस का 3, फालतू निकल के आया, 11 × 11 ये 11 तो गया कट, ये 3 बच गया ऐसे ही, तो शेषफल कितना आ गया प्लस का 3, तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो क्या है माइनस का 3, बीच में क्या ये माइनस, और ये क्या प्लस का 3, तो 3 × 3 कितना हो गया माइनस का 6, लेकिन माइनस में तो आंसर होता नहीं, तो क्या करेंगे जिससे भाग करते हुए इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या है माइनस 6 + 11 क्या हो जाएगा प्लस का 5, और ये क्या आपका शेषफल, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, और आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं हम जो KVS में बने हैं, और SSC में तो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, और जो KVS है ना क्वेश्चन रिपीट करता है, SSC से इधर उधर से उठा लेता है, आपको ये क्वेश्चन करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इतना समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कैसे शेषफल निकालते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि 2 की पावर 60 को 9 से भाग करो, इसमें शेषफल बताओ, ऐसे पूरा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ऐसे केस में जब 2 की पावर ऐसे दे रखी हो, किस चीज़ की पावर दे रखी हो, तो हम एक काम करते हैं कि हम ना पावर को इस तरीके से बनाते हैं कि शेष को हम डिवाइड करने के बाद +1 या -1 बनाने की कोशिश करते हैं, +1 या -1। एक और ध्यान देना यहाँ पे कि क्या, कि अगर -1 इसकी पावर क्या हो सम संख्या, इसकी पावर सम हो तो क्या आता है ये +1 बना देता है इसका, ठीक है। और अगर -1 हो इसकी पावर क्या विषम यानी कि ओड हो विषम संख्या, तो क्या बना देता है पावर को माइनस कर देता है, माइनस का माइनस ही रखेगा, प्लस कब बनाते हैं जब सम संख्या हो। जैसे यहाँ देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 की पावर 60 से 9 से भाग करके हमें शेषफल बताना, तो क्या करेंगे सबसे पहले इस 2 को ऐसी पावर में तोड़ेंगे कि जिससे प्लस होने माइनस में निकल जाए, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 3 = 8, ठीक। तो हम इसे ऐसे कर दिया कि 2 की पावर 3, ठीक, और सारे के ऊपर क्या लिख लिया इसकी पावर 20, तो आपको पता होगा ना कि 2 की पावर 3 है, 3 × 6 = 20 या 60 है ये, तो ऐसे बदल के लिखा बस हमने, और 2 की पावर 3 लिख दिया बटे में 3, बताऊंगा क्योंकि हमने देखिए अब कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, ये क्या होता है 20 बटे में 9, तब क्या करेंगे ये देखिए ये कहाँ था मैंने, अब हम इसको भाग करेंगे यहाँ पे, तो 9 × 1 = 9, तो क्या माइनस का 1 निकल कर आएगा, तो क्या होगा माइनस का 1 की पावर कितनी है 20। हमने भी क्या पढ़ा कि जब सम पावर होती है तो क्या बना देता है प्लस बना देता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 1।
समझ गए ना। तो मेरे कहने मतलब ये था कि हम शेष को प्लस वन माइनस वन कैसे बनाएंगे, कि जैसे दो की पावर 60 थी तो हम ऐसी पावर में तोड़ेंगे उसको, ऐसी पावर में ब्रेक डाउन करेंगे कि जिससे कि 9 से या नीचे जो संख्या से भाग करने पर या तो प्लस वन बचे यहाँ पे या माइनस वन बचे, उससे फिर गुणा करनी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि एक की कितनी भी घात कर लो आप, एक ही आता है, कितनी भी गुणा कर लो, समझ गए ना कैसे। जैसे इधर रखें 2 की पावर 62 है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 तो अलग निकाल लो और 2 की पावर 60 है उसे ऐसे लिख देंगे। जैसे देखें यहाँ पर कि 2 की पावर 2 तो मैंने लिख दिया अलग से, और ये 2 की पावर 60 थी इसको लिख दिया यहाँ पर, अपूर्ण में क्या लिख दिया मैंने 9। फिर क्या किया अगली बार 2 की पावर 2 कितना होता है 4 गुना, ये किसे कर देंगे 2 की पावर 3 और सारी पावर कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। नीचे क्या चला इसके 9, अब क्या करेंगे इधर कि 4 गुना 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, इसकी पावर 20, सारे के बेटे क्या है 9। अब 9 से भाग करियो, जब 4 को 9 से भाग करोगे आप तो क्या आएगा प्लस का 4 ही बचेगा रिमाइंडर, इधर 9 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि ज़्यादा पे चल रहा है ना ये भाई, 9 कम 9 ये 8 है तो कितना बचेगा 1 बचेगा किसका माइनस का। अब पता लग गया ना क्या करते हैं हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं इसको, इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं पावर को कि प्लस वन या माइनस वन शेषफल निकले, उससे फिर सोल्व करना ईजी हो जाता है। यहाँ देखिए तो इधर से 4 निकल गया शेषफल, इधर से क्या निकला माइनस वन की पावर 20, और जब सम संख्या हो पावर, ठीक है, सम संख्या पावर तो सम ही बना देता है उसका, मतलब प्लस बना देता है 4 एकम 4, तो शेषफल क्या निकल गया आपका 4। इधर देखिए क्या है, जैसे इसने देखे अगर इधर तो क्या करेंगे कि 7 की पावर 400 / 400 में शेषफल बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे इसमें हम तो 7 की पावर 4 को अलग लिखेंगे, 7 की पावर 4 अलग लिख दी मैंने, और इसको 100 को लिख दिया अलग से पावर में, बटे में क्या है 400। इसका क्या फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा है कि 7 की पावर 4 होता है 2401, हम प्लस वन या माइनस वन शेषफल बनाने की कोशिश करते हैं, ये चलेगी पावर 100 बटे में कितना आएगा 400। तो देखिए जब आप यहाँ पे भाग करोगे तो 400 से 2400 तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा प्लस का 1, वो प्लस 1 की पावर कितनी रहेगी 100, तो प्लस 1 की कितनी पावर हो तो क्या होता है 1 का मतलब 1 ही होता है, शेषफल क्या आ गया 1। तो समझे ना क्या करना, मतलब कि जैसे 2 की पावर 60 था इसमें हमें भाग करना था 9 से, तो हम 2 की पावर को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि जब हम संख्या से भाग करें ना तो प्लस 1 निकले माइनस 1 निकले, जैसे ये किया हमने इधर किया हमने, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे ब्रेक डाउन करना है पावर को। जैसे यहाँ देखिए 3 की पावर 63 है तो हम पता कि ये 82 है, कि 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, तो 3 की पावर 4 81 किस तरीके से तोड़ना हमको, तो 3 की पावर 63 है ना, 3 की पावर 3 तो अलग निकाल लो, 3 की पावर 60 हो गया अलग से, बटे में क्या चला सबके 82। इसका क्या फ़ायदा होगा देखिए बताते क्या फ़ायदा होगा, इसका फायदा होगा 3 की पावर 3 तो कितना हो गया 27 गुना, और इधर 3 की पावर 60 ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना 81, जब 82 को 81 से भाग करेंगे तो प्लस वन या माइनस वन निकलेगा, और 4 तो यहाँ लिख दी तो यहाँ कितनी पावर आएगी 15, ये तो पता होगा ना, जब इसकी पार एम एन होता है तो एम गुणा एन हो जाता है, 9th क्लास में पढ़े होगा आपने, ये नीचे क्या आएगा 82, ठीक है। आगे देखे क्या है इसमें क्या दिया, आप इधर बता देते हैं, यहाँ देखिए कि ये हो गया 27 गुणा 3 पार 4 कितना होता है 81, और सारी पार कितनी चल रही है 15 बटे में कितना है 82। जब इसको भाग करेंगे हम 27 को 82 से तो ऊपर कम संख्या, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ऊपर कम संख्या हो तो शेषफल यही होता है कमी, तो कितना आएगा प्लस का 27 ही बचेगा ये, जब यहाँ भाग करेंगे 81 को 82 से तो एक कम है 81 तो क्या माइनस का 1 निकलेगा इधर से माइनस का 1, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर आ गया हमारा 27 गुणा माइनस 1 की पावर कितनी 15, और जब माइनस की पावर भी सम हो तो क्या होता है माइनस ही रहता है, तो 27 गुणा माइनस का 1 तो क्या निकलेगा माइनस का 27 निकलेगा, लेकिन माइनस में तो हमारा वैल्यू होती नहीं है, आंसर होता नहीं, तो क्या करेंगे अब हम करेंगे माइनस 27 में कितना जोड़ देंगे जिससे भाग दे रहे हैं 82 को ऐड कर देंगे, तो देखिए शेषफल क्या निकलेगा, तो 12 में 7 गया आपका 5 बचेगा, यहाँ 7 में 2 गया 5, तो 55 आपका क्या आ गया शेषफल। आया ना समझ में कैसे करना है, इस तरीके से पावर में तोड़ना है प्लस वन या माइनस वन निकले। आगे देखिए जैसे ये है ये 23 है, ये 491 इसकी पार 29 की पावर 491, 26 से भाग करो तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखना आप एक बजे से लिखो कि 23 की पावर कितना है 491, यहाँ हम लिखेंगे 29 की पावर 491, किससे भाग कर रहे हैं हम यहाँ 26 से भाग कर रहे हैं, जब 26 से इसको अंदर वाले को भाग करना होगा 26 से कम 26, तो क्या निकलेगा यहाँ पे देखो ये ज़्यादा है तो प्लस का 3 निकलेगा, प्लस का 3 इधर भाग करेंगे 26 कम 26 इधर माइनस का 3 निकलेगा क्योंकि 26 ज़्यादा है ना, तो माइनस का 3 निकलेगा, 26 कम 26 इधर निकलेगा आपका प्लस का 3, तो क्या बचा ये आपका आया, ये तो आया माइनस 3 की पावर कितना 491, इधर कितना आया माइनस 3 प्लस 3 की पावर 491, जब सेम पावर है तो क्या होगा कट हो जाएगी तो क्या बचा 0, तो शेषफल क्या आ गया इसमें आपका 0। समझ गए ना क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब पावर में घात दे रखी हो, पावर में दे रखी हो संख्या, तो हम क्या करेंगे हम सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे, कम से कम उसमें पावर में तोड़ेंगे जिससे कि हम डिवाइड करने के बाद सम या विषम शेषफल मान निकल कर आ जाए। अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं।
आइए कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, सारे जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं अलग अलग एग्जाम में आपके, और केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दिया गया हमारा यहाँ पे क्या है कि 1501 ये लिखा 1501, इसकी पार कितनी लिखी है हमारी 393, ठीक है। और इधर प्लस में क्या है फिर 1999, इसकी पावर दे रखी है आपको 393। और क्या पूछेगा, पूछेगा कि इसमें शेषफल बताओ कितना होगा, भाग करेंगे अभी नीचे 500 से, तो करिए भाग आप बताइए। जैसे 500 से भाग करेंगे तो 1500 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस का एक, यहाँ आपका निकल का है इधर से प्लस का एक, जब इधर करेंगे आप तो 1500 1999, तो 5 से भाग करेंगे 5 का 20 2000 पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कम है तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक, ठीक। तो इधर क्या बचा होगा, इस तरह बचा आपका प्लस 1 की पावर 393, इधर क्या बचा माइनस 1 की पावर 393। तो देखिए सेम प्लस माइनस में सेम चीज़ है तो क्या होगा कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा 0, ये क्या आपका शेष। और ये पूछा गया था बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है देखिए एसएससी में, ये क्या बहुत ईजी है देखने में, इतना बड़ा लग रहा है आपको। जैसे 19 शेष को डिवाइड करेंगे, पहले इधर करो 19 का 19 तो पूरा कट गया, 19 57 ये पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये, तो इधर क्या बचेगा रिमाइंडर, इधर बचेगा रिमाइंडर आपका 0, रिमाइंडर क्या आ गया आर आ गया 0। एक बात बताओ जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे चेक करने की क्यों क्या जरूरत है हमें, क्यों, क्योंकि गुणा 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 कर रखे थे, कुछ भी आओ यहाँ पे गुणा में, जब एक बार 0 आ गया तो साफ सभी सारे के सारे को क्या कर देते हो 0 कर देते हैं, तो इसलिए रिमाइंडर क्या जाएगा कुल मिला के 0। देख कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ देखे अब जैसे दे रखे अभी इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या 8 की पावर 21 माइनस 6/7 इससे भाग करना, तो हम क्या करेंगे 8 की पावर कितनी है 21 माइनस में 6 किससे भाग करेंगे हम 7 से भाग करेंगे, तो करिए तो 7 एकम 7, तो यहाँ क्या निकलेगा प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है वो इधर 7 एकम 7, तो क्या करेंगे ये 7 है 6 तो माइनस का 1 निकलेगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा यहाँ से माइनस का 1। तो आगे देखिए क्या करते हैं कि +1 की पावर कितनी 21, तो +1 की पावर कितनी रखेंगे हम 21 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये क्या माइनस, तो ये पहले ही है और माइनस ही आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1, ठीक है, तो कितना आ गया 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, और 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर आ गया इसका 2 से। इस पर यहाँ देखिए जैसे 68 है ये, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए 68 एकम 68, तो क्या निकलेगा फालतू है तो माइनस का 1 निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा है, अब 68 कम 68 इधर करेंगे तो भी क्या निकलेगा माइनस का 1 निकलेगा। तो आगे देखिए तो माइनस 1 की पावर कितनी है 67, माइनस 1 की पावर 67 बच गई हमारी, इधर क्या बच गया हमारा माइनस का 1। तो देखिए अब माइनस 1 की कितनी पावर हो आपकी, तो क्या करते हैं हम माइनस ही रहेगा, क्योंकि क्या है ये ओड है यानी विषम संख्या, जब माइनस की पावर विषम संख्या तो माइनस ही आता है हमारा। आगे देखिए तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 2, लेकिन माइनस में तो हमारा आंसर आता नहीं, तो करेंगे क्या जो हमारा माइनस आया उसमें हम जिससे भाग करते हैं संख्या जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 66, ये आपका क्या है शेषफल, ठीक है। आगे देखे क्या है 11 की पावर 20 माइनस इसको भाग करना आपको, तो क्या करेंगे हम इसको, हम करेंगे पहले 11 को इधर भाग करें तो 8 एकम 8, तो क्या प्लस का 3 निकले क्या आया प्लस 3, किसकी इसकी पावर कितनी बचेगी इधर देखो, इसी बार 20 है इधर देखें तो 8 एकम 8 यहाँ निकलेगा माइनस का 2, तो यहाँ देखिए यहाँ तो निकली आपकी प्लस की 3, इसी बार कितनी होगी 20, इधर क्या निकला माइनस तो ये था और माइनस ये था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया 2, बटे में क्या आएगा 8 आपका, ठीक है। इधर देखिए तो 3 की पावर 20 है, तो ऐसी पावर में तोड़ो 20 को, जिससे कि हमें क्या हो जाए 8 से आसानी से डिवाइड हो जाए, तो जब 3 का स्केयर करते हैं तो 9 होता है, और 9 को 8 से भाग करेंगे प्लस 1 निकलेगा, तो एक काम करो इसे तो लिख दो आप 3 की 2, और इसको लिख दो आप 10, और ये प्लस 2 चली रहा साथ में, इधर क्या है 8, पता लग गया ना भाई 20 था, इसको 3 पार 2 2 20 20 ऐसे बदल के लिखा बस हमको, हमने इसको तो 3 पार 2 कितना होता है 9, और सारी पार कितनी है 10 प्लस में 2 बटे में क्या चल रहा है 8, अब 8 से भाग करेंगे इसको तो 8 कम 8, तो क्या निकलेगा प्लस का 1, और 1 की पार 10 है तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा, इधर से 2 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3, ये क्या आपका होगा रिमाइंडर, ये आगे आपका शेष पर, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नई वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं आपको। अगला तो टॉपिक हमारा होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई का ज्ञात कर